समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से लोकसभा सांसद आजम खान द्वारा सदन में टिप्पणी के बाद सियासी संग्राम जारी है। तमाम पार्टी के नेता आजम खान के बयान का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने नेता के बयान की निंदा की है और आजम खान से उनके बयान के लिए माफी मांगने की बात कही है। मायावती ने कहा कि सपा सांसद आजम खान ने कल लोकसभा में पीठासीन महिला के खिलाफ जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था वो महिला की गरिमा व सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले जयाप्रदा ने आजम खान पर निशाना साधा था और सपा सांसद के बयान को उनकी आदत बताया था। साथ ही उन्होंने आजम खान की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की थी। जयाप्रदा ने कहा कि आजम खान की मानसिक स्थिति खराब है, अगर उन्हें भारत में रहना है तो महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। गौरतलब है कि गुरुवार को तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने स्पीकर की चेयर पर बैठी बीजेपी सांसद रमा देवी पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरा मन करता है कि आपकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहूं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।